स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके स्टडी विद बबुआ जी में। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा पौड़ी के मेलों की ट्रिक, या पौड़ी में लगने वाले मेले या महोत्सव। ठीक है, पौड़ी में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से महोत्सव लगते हैं, उनकी ट्रिक आपको यहाँ पर आज बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये कौन है, चंदू नाम का क्या है, एक लड़का है भाई, चंदू नाम का एक लड़का है और एक मधु नाम की लड़की है। दो करेक्टर है हमारे इस मेलों में जो मेन पात्र हैं। तो चंदू नाम का जो लड़का है वो मधु नाम की लड़की को क्या करता है, ताड़ता रहता है। ताड़ता मतलब देखता रहता है भाई, क्योंकि ये दिखने में क्या है, दन है। दन मतलब मस्त है, दन लगती है एकदम मस्त। गाना भी सुना होगा, दन लग दी तू, तो दन लगती है, मस्त लगती है, इसलिए चंदू क्या करता है, इसे ताड़ता रहता है भाई। अरे चंदू जो है बहुत ही गंदा लड़का है, ठीक है, बहुत गंदा लड़का है, मधु को ताड़ता रहता है क्योंकि दिखने में दन लगती है और गंगा जैसा इसका कैरेक्टर है। ये देखो गंगा जैसी है, साफ है, कौन, मधु, और दिखने में है एकदम दन, तो ताड़े गए भाई। जब दिखने में दन है, गंगा जैसा कैरेक्टर है, तो ताड़े गए भाई, ठीक है, लेकिन है ये बहुत ही गंदा लड़का। अब होता क्या है, मधु के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आती है, तो क्या करते हैं, चंदू की मार मार के खाल निकाल देते हैं और ये बेचारा मर जाता है। और जब मर गया तो भाई बहुत बड़ा कांड हो गया है किस्म से देखा जाए तो इसके घर वाले इसको मार मार के इसकी खाल निकाल देते हैं। और जब खाल निकाल देते हैं तो क्या होता है, ये मर जाता है और इसका बहुत बहुत बड़ा ये क्या हो गया, यहाँ पर कांड हो गया भाई। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या मेले हमारे छुपे हुए। देखो चंदू, चंदू से छुपा हुआ है इसमें हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली मेला, ये पौड़ी में लगता है। ताड़ता, ये मधु को क्या करता था, ताड़ता रहता था, तो ताड़ से हो जाएगा ताड़केश्वर मेला, ये भी हमारा पौड़ी में लगता है। मधु, मधु से हो जाएगा मधु गंगा महोत्सव, ये भी पौड़ी में ही लगता है। दन लगती है मधु ना, तो दन से दनगल मेला, ठीक है, दन से क्या होगा, दनगल मेला। और गंगा जैसी पवित्र है तो गंगवार शिव महोत्सव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चंदू मैंने बताया था कैसा लड़का है, गंदा लड़का है, तो गंदा से हो जाएगा गिंदी मेला, गिंदी मेला प्लस गेंदी का खकोटी महोत्सव, ये भी सब पौड़ी में लगते हैं। जब इसके घर वाले मार मार के खाल निकाल देते हैं इसकी, तो खाल से कौन सा मेला हो गया, बुंखाल मेला। मर गया भाई, इसके बाद ये क्या होता है, मर जाता है और बहुत बड़ा कांड हो जाता है, तो कांड से हो गया कांडा मेला, ठीक है। इसके अलावा पौड़ी में बस एक ही मेला बसता है, अन्य मेले हैं बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बस ये ट्रिक उम्मीद होगी आपको पसंद आई होगी ये ट्रिक, आगे भी हम ऐसी ट्रिक लेके आएंगे। और इसके बाद में जल्दी यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास और भारत का इतिहास, भूगोल, सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे शुरू करूंगा, ठीक है। हमारे चैनल पे जाइए जीके स्टडी विद बबुआ जी, यहाँ पर सब्सक्राइब भी कीजिए इसको आप, और बगल में एक बेल का निशान भी आएगा उसको भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो तुरंत आप तक पहुँच जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।